Assalamu alaikum. My name is Dr. Muhammad Bilal. I am a general dentist at Dental Polyclinic Bahria Town, Islamabad. Aur aap dekh rahe hain Tabib.pk. आज मैं आपको बताऊंगा कि अगर कैरीज कोई कैविटी में आप कैविटी कुछ ज़्यादा बड़ी हो जाए मतलब और आपको शदीद दर्द हो तो उसके बाद आपने क्या करना है, क्या क्या आपके पास मतलब ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं, जिसमें सबसे पहले आपके पास आता है कि आप कैविटी हो उसमें कोई ज़्यादा आपको दर्द वगैरह ना हो और एज़ पर योर डेंटिस्ट अगर आपके पास कोई मतलब उसमें मार्जिन हो फिलिंग की तो उसमें आप टाइम पर फिलिंग करवा के उसको आप जस्ट फिलिंग से सेव कर सकते हो। और लेट सपोज उसमें अगर कंडीशन थोड़ी सी वर्स हो, कैविटी डीप हो, आपको पेन ज़्यादा हो और आपका जो दांत का जो नर्व है वो इरिवर्सिबली डैमेज हो चुका हो, फिर आपके पास जो एक प्रोसीजर है जिसको हम रूट कैनाल ट्रीटमेंट कहते हैं RCT, तो वो की जाती है, जिसके हवाले से आज आपको मैं बताऊँगा। जो रूट्स के अंदर जो दांत के जड़ी होते हैं उसमें जो हॉलो स्पेस होता है, जो चैनल होता है, जिसमें से आपके जॉ बोन से मतलब हड्डी से जो मतलब नर्व ब्लड वेसल आती है ऊपर, जिसको जिसकी वजह से आपका दांत जिंदा होता है, वो स्पॉयल हो जाए, फिर उन वहाँ पे इन्फेक्शन बनती है, ऊपर से जो कैविटी बनती है फिर नीचे जाके इन्फेक्शन बनती है। फिर यहाँ पर हमारे पास जो प्रोसीजर है जिसमें हम पेशेंट को रिलीफ दे सकते हैं वो है रूट कैनाल ट्रीटमेंट, जिसको हम कॉमनली लोग कहते हैं रूट कैनाल ट्रीटमेंट मींस RCT। तो थोड़ा सा इसके ऊपर भी मैं आपको ब्रीफ कर लूं कि रूट कैनाल ट्रीटमेंट होता है क्या। रूट कैनाल ट्रीटमेंट बेसिकली जो रूट कैनाल्स में जो अंदर चैनल्स होती हैं उसको हम इन्फेक्शन फ्री बनाने के लिए और उसको रूट के टिप से लेकर टॉप तक उसको अच्छी तरीके से सील करने के लिए, ताकि पेशेंट का जो दांत है वो फंक्शनल पोजीशन में, फंक्शनल और एस्थेटिक पोजीशन में उसको हम वहाँ पे रिटेन कर सके, उसको हम बचा सके। तो बेसिकली ये जो प्रोसीजर है ये कंजर्वेटिव प्रोसीजर है जिसमें आपके दांत को हम बचाते हैं ताकि वो फंक्शन और एस्थेटिक दोनों मतलब अपने वहाँ पर मेनटेन कर सके। तो रूट कैनाल ट्रीटमेंट में बेसिकली 2 से 3 अपॉइंटमेंट का प्रोसीजर होता है, जिसमें हम ये कि फर्स्ट अपॉइंटमेंट में ये करते हैं कि जो रूट कैनाल्स हैं उसमें हम थ्रू स्पेसिफिक नीडल्स, जो स्पेशल नीडल्स होती हैं उसमें उसकी मदद से हम जिसके मुख्तलिफ नंबर्स होते हैं तो उससे जाके हम उसकी सफाई करते हैं, और सफाई के दौरान हम बीच में कुछ केमिकल्स यूज़ करते हैं जिससे मतलब आपके जो रूट कैनाल्स हैं वो मज़ीद केमिकली क्लीन होते हैं, जिसको हम एरिगेंट्स बोलते हैं। वो सफाई होने के बाद हम फिर उसमें इंट्रा कैनाल मतलब कैनाल के अंदर हम कुछ मेडिकेशन रखते हैं और फिर उसको हम टेम्परेली फिल करके फिर सेकंड अपॉइंटमेंट और कुछ केसेस में थर्ड अपॉइंटमेंट भी हम करते हैं। तो इस तरह ये होता है कि सिक्वेंशली सीक्वेंस में हम जो रूट कैनाल है उसको हम प्रॉपरली सील करते हैं थ्रू स्पेशल मटीरियल, ताकि उसमें मज़ीद कोई मतलब पाथवे या कोई चैनल ना हो जिसमें आपका जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, बैक्टीरिया है, सारी चीज़ें वो ऊपर से कैविटी के थ्रू नीचे आपके जॉ बोन के अंदर ना जाए। जब ये हो जाए तो जो ऊपर कैविटी बनी होती है उसको हम प्रॉपर डिज़ाइन करके उसमें हम रेस्टोरेशन करते हैं, रेस्टोरेशन मीन्स फिलिंग करते हैं, और जब फिलिंग हो जाए तो आपका जो दांत है वो फंक्शनल पोजिशन पर आ सकता है। और रूट कैनाल ट्रीटमेंट के बाद एक कॉमन जो चीज़ और होती है जो मेजॉरिटी डेंटिस्ट आपको रिकमेंड करते हैं कि आप इसके ऊपर कैप कर लो, कैप इज़ अ कॉमन टर्म, इसको हम स्पेसिफिकली क्राउन कहते हैं, ताकि आपके दांत को हम सारे साइडों से हम ग्राइंड करके ऊपर से भी रिड्यूस करके इसके ऊपर हम कैप लगा लें। तो वो भी उस पर भी हम ज़रा बात कर लें कि क्राउन होता क्या है। क्राउन होता ये कि आपका जो दांत है अगर वो उसमें कोई बहुत बड़ी साइज़ का फिलिंग हो, उसमें बार बार चांसेस हो उसके टूटने के, और कॉमनली रूट कैनाल ट्रीटमेंट के बाद भी आपका दांत थोड़ा सा ब्रिटल हो जाता है और जिसमें फिर चांसेस होते हैं कि वो थोड़ा सा उसका कोई हिस्सा फ्रैक्चर हो जाए, तो उन सारी जो चीज़ें हैं उससे बचने के लिए हम पेशेंट को एडवाइस करते हैं कि आप पहली फुर्सत में इसके ऊपर क्राउन कर लें। क्राउन से होता है कि आपका जो दांत है वो लाइफ लॉन्ग वो सेफ हो जाता है और वहाँ पर फंक्शनली मतलब आपको वो सर्व कर रहा होता है।